लक्ष्मी रक्षा बंधन। इसको देखो कैसे आजादी मिली जैसे हम गए तो। मैडक कोमली यहाँ मायके से सामान भर के ले जाती हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है रक्षाबंधन है और मैं भी अपने मायके आई हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो इस बार जो है रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का, वो 1:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है और रात के शायद 9-9:30 बजे तक है। तो हम लोग भी उसी मुहूर्त पर राखी बांधेंगे। अभी फिलहाल हम लोग नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं और अभी खाने वगैरह की तैयारी चल रही है। तो अभी 9 ही बज रहे हैं तो हमने सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये देखो पोलू भी वेट कर रहा है। पोलू आज तो देर से है ना मुहूर्त, ले। मैंने पहना है ये सूट, ये एक्चुअली मम्मी का है तो मेरे को बिल्कुल फिट आ गया है। तो मैं लेके नहीं आई थी ऐसे कोई, मैं सिर्फ कुर्ती वगैरह लाई थी। तो मैंने सोचा कुछ दुपट्टे वाला पहनते हैं, तो मैंने ये सूट पहन लिया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और उमा भी आई हुई है, कल ही आई उमा। और यहाँ पे तैयारी चल रही है सब्जी बनाने की और खीर हमने चढ़ा दी है, वो धीरे धीरे धीमी आंच में बनती रहेगी। और ये हमारे बड़ जो बोलते हैं मांस के बनते हैं उसके लिए है मटेरियल, आटा भी गूंथ चुका है। ये रायते की तैयारी चल रही है और ये रही मम्मी। मम्मी हेलो करो। और ये देखो हमने कल मेहंदी भी लगाई थी, सिर्फ इतना ही लगा पाए थे क्योंकि लेट हो गया था बहुत। और यहाँ पे उमा टमाटर काट रही है। हाँ ये देखो, ये दर्शक है भूख के मारे सब अपने अपने फोन पे लगे हैं। तो यहाँ पे जो है उमा राखियाँ सजाने लगी है थाली में। देखिए हमारी हर साल हमारी ही जो हैंडमेड राखियाँ होती है वही हम यूज़ करते हैं। तो इस बार हमने कुछ इस तरीके की बनाई थी, सिंपल सोबर। तो राखी की थाली रेडी हो चुकी है। अभी हम लोगों ने एक गणेश जी को चढ़ा दी है। हर साल हम लोग पहले गणेश जी को एक राखी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब जो है मैं इसको मंदिर में रख दूंगी और जैसे 1:30 बजे का तभी हम लोग जो है राखी बांधना शुरू करेंगे। तो रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे टीके की थाली भी रेडी है। अभी 1:31 हो रहा है और 1:32 से मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग तब तक दिया बत्ती स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। इसको भिगा के रख देते हैं, बस उसके 1 मिनट बाद हमने बनाना ही है, मतलब राखी बांधनी है। क्या बोल रही हूँ मैं भी। बस अब हम जो है राखी की थाली हमारी रेडी है ये, और दिया भी रेडी है। अब उस टीका घोलते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे राखी बांधना। पॉली भी वेट कर रहा है कि कब राखी बांधेगी और मुझे भी बांधा जाएगी राखी। मत कर ब्राइट, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी जिससे गोरा नहीं होगा पॉली। पल्या ओ पल्या ले। इनकी नॉटिंग खत्म नहीं, चलो कह रही हूँ राखी शुरू होने वाली है। चलो ये एक और भाई की एंट्री हो चुकी है। पॉली है
गर्मा बात लिया तो मैंने भी बात नहीं हुआ ये लड्डू पसंद नहीं। ये क्या बात हुई उबा? कोई बात नहीं। कुर्सी में बैठ जाओ, मैं पहुंच नहीं पा रही है। तू हिमांशु ने कंधे भी झुका दिए तेरे चक्कर में। बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है। चल बैठे। मम्मी कह रही मम्मी ने इसलिए बैठाया कहीं उमा राकेश को ने बुला दे। इसलिए मम्मी ने बुलाया। ये तो ज्यादा खिलाऊं, मम्मी इसको बहुत पसंद है ना। हाँ, तब से मिठाई मिठाई कर रही है। पहला कौन कहना पड़ रहा है, खा के चुपचाप निकल ले रही है। पुल्लू तेरी बारी आ गई, पुल्लू तेरी बारी आ गई। पुल्लू सिट सिट। बेटे मुख नहीं लगा रहा, पहले नहीं बांधी करके। ये 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 कोई मतलब नहीं है पुल्लू को। पुल्लू हो गया उल्लू। इस बार नोटिंग की करी इसने ना। कहाँ से थोड़ी खिला रहे थे। चलो जा जा दे तू राखी बांध दी कॉलोनी। तो हमने जो है राखी वगैरह बांध दी है अभी सभी लोगों ने।
अब हम लोग थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे, फिर उसके बाद मनीष भैया को बाहर निकले जाएंगे राखी। तो ये हाथ से खोल देता है इसलिए हमने इसको यहाँ बेल्ट में बांध दी ताकि इसको पता ही नहीं चले कि इसकी बेल्ट में राखी बंधी हुई है ना बोलू। जो इतना छोटा मेढक है, तो अभी हमारा जो है थोड़ा बहुत फोटोशूट हो चुका है और हिमांशु और अर्जुन खाना खा रहे हैं तो वो लोग अभी फोटोज में नहीं आए, तो इसलिए हम लोग अभी मनीषदा के पास जा रहे हैं, उनको राखी बात कहेंगे, सृष्टु मनीषदा और भाभी को। अब आपको सभी विश करेंगे हैप्पी रक्षाबंधन। कोमली यहाँ मायके से सामान भर के ले जाती हुई अंदर से आते समय खाली हाथ आई थी, जाते समय इतना भर भर के ले जा रही है। इसको देखो कैसे आजादी मिली, जैसे ही हम गए तो बाहर को आए गेट खुल के। बाय 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 चलो बाय बाय चलो आराम से जाना। देखो बाबा आ रखा है, ऐसा हो गया इसको। तो हमने बहुत सारी फोटोज़ वगैरह ले ली है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वो दिखाऊंगी। और अभी उमा और राकेश जो है अपने घर के लिए निकल चुके हैं, मम्मी और अर्जुन उन्हें छोड़ने गए हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये राखी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।